हेलो फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें अभी 1 से 5 वर्ग वाले का रिजल्ट आया है, जिसमें 1,39,010 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। ये कक्षा 1 से 5 में 94% अभ्यर्थी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 94% शिक्षक फर्स्ट एग्ज़ाम में ही पास हो गए हैं। तो सभी को अब राज्यकर्मी का दर्जा आसानी से मिल जाएगा, जिसके लिए बहुत वो संघर्ष कर रहे थे। तो सक्षमता परीक्षा मात्र 6% शिक्षकों का रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट के बाद सभी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा, जिसमें 1,29,439 शिक्षक में से 1,22,347 शिक्षक पास हुए हैं, यानी 94% पास हुए हैं। उर्दू में 19,317 में 16,575 शिक्षक और बांग्ला में 89 में 88 टीचर पास हुए हैं। अभी तक 98,135 टीचर हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उन्हें वो फेल हो चुके हैं। तो उनके पास अब पास होने के लिए 5 परीक्षा हैं, जिसमें वो आप पास हो सकते हैं। अभी बहुत मौका है। और परीक्षा पास करने के लिए सामान्य को 40% अंक लाना था, बीसी को 36.5, ईबीसी को 34, एससीएसटी को 32, दिव्यांग को 32, महिला को 32, यानी इतने परसेंट मार्क्स आने पर वो पास माने जाते हैं। सभी शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट आने के बाद उनका बायोमेट्रिक जांच होगी। सभी प्रमाण पत्रों का दोबारा जांच किया जाएगा कि वो फर्जी है या सही है। उनको अपने ज़िले में बुलाकर थम इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, और तभी जाके उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारे दिया हुआ जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।